आपका फिर से स्वागत है। कमाल की बातें, कमाल की चीज़ें, कमाल की जगह, कमाल की व्यक्ति से रूबरू कराते रहते हैं। तो आज का ब्लॉग कुछ खास होने जा रहा है। मैं बता दूं, आज नवमी है और नवमी को ही ये दुगला का कार्यक्रम विगत वर्षों से होते आ रहा है और आज भी होगा। संध्याकालीन दो ब्यासों में महामुकाबला, तो आज दिन में ये भव्य जुलूस जो कि सुआ कोड़िया पंचायत का ये रामनवमी जुलूस दिखाने जा रहा हूँ। तो हमारे साथ हमारे लड़का अर्पण और ये बाइक से हम लोग चलेंगे। क्या बेटा, कहाँ चलिएगा? गोदाम पे। और गोदाम के बाद वो सुबह स्कूल पर भी मिलान होगा। तो आइए चलते हैं और ब्लॉग के माध्यम से आप सबको दिखाएंगे। तो आप कंटिन्यू ब्लॉग पर बने रहिएगा। तो दोस्तों देख पा रहे हैं, ये छोटे मोटे बच्चे हैं जो कि रामनवमी के अवसर पे ये पानी पिला रहे हैं जो भी रास्ते से आवागमन कर रहे हैं। तो दो पकड़ा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये रामनवमी का जुलूस है और सुआ कोड़िया दोनों पंचायत का ये जुलूस का मिलान होता है यहाँ पे। ये जगशाला स्थान है और यहीं पे मंदिर का निर्माण कराया गया जो कि आप पीछे देख पा रहे हैं। 9 दिन से जग लगातार पाठ हो रहा था और ये 13वां अधिवेशन था और ये जुलूस आप देख पा रहे हैं। कुछ झांकियाँ का भी प्रदर्शन किया गया और DJ साउंड ऊपर ही रहा है। तो आइए छोटा छोटा क्लिप के माध्यम से आप सबों को दिखाएंगे। और संध्याकालीन आपको जैसे कि मैं बता दूं, इधर का ये देखिए, ये बन के स्टेज ऑलरेडी तैयार है और इधर का ये जो दोनों कमेटी का ये बैठने का मेंबर्स का ये चेयर लगेगा। और आज संध्याकालीन का ये जो झूला है वो प्रद्युम्न प्रदेशी और मौसम राज के बीच घमासान ये झूले का कार्यक्रम आगाज हो जाएगा 8 बजे। आप ये देखिए जुलूस का हो चुका है। ऊपर बता रहा तार को भी चले गए, धीरे धीरे गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे। तार है, धीरे धीरे बढ़ाइए बढ़ाइए, बढ़ाते रहिए बढ़ाते रहिए।
सुबह स्कूल और यहीं पे रामनवमी का जुलूस का मिलन समारोह कह सकते हैं हम लोग। कौड़िया सुआ और चियाँ की दोनों यहीं झंडा मिलाया जाएगा और प्लस में यहाँ पे भंडारे का भी व्यवस्था है और प्राइज वितरण वगैरह। तो शायद अगर अंतिम तक हम लोग रुकेंगे तो आपको वो क्लिप दिखाएंगे, नहीं तो थोड़ा मोड़ा क्लिप ऐड करेंगे, उसके बाद चलेंगे घर। और विशेष शाम को तैयारी भी करनी है, तो हमारे एलके ब्लॉगर भी आए हैं और हम लोग ये सुबह स्कूल के नज़दीक हैं और ये हंसराज सर के घर के आसपास हम लोग गाड़ी लगा दी हुई है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये छोटा सा मेले का रूप आप सबों को बीच देखने को मिलेगा। ये झंडा खड़ा किया गया है और ये सुबह स्कूल है और यहीं पे मेवाड़ प्रेम। तो आइए देखते हैं, और बच्चों के लिए कुछ कुछ खिलौने हैं। और ये देखिए, क्या नाम है, नाम बताइए, क्या खिलौना लीजिएगा। आइसक्रीम और तरबूज अभी तक लिवा चुका है। ये सील आपको देखने को मिल रहा होगा और ये सील रामनवमी
समिति द्वारा प्रोवाइड की जा रही है, जो कि साउंड और झंडाधारियों को, और देखा जाए तो ये 3 जुलूस का जो मिलान होगा वो उनमें फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज का वितरण भी किया जाएगा। तो आइए सिनेमैटिक सीन दिखाते हैं, कुछ तलवार भी है वे भी वितरण होगा, तो आप कंटिन्यू ब्लॉग पर जमे रहिएगा। और ये गमछा है, गमछा का बंडल लगा हुआ है, और इधर तलवार जो कि आप देख पा रहे हैं, ये सभी प्राइज रूपी वितरण किया जाएगा कमेटी के सौजन्य से। मिठाइयां का दुकान लगा हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं बच्चे आते हैं तो ये मिठाई लेते हैं, और कुछ खिलौने हैं, और ये देखिए अनेकों प्रकार के खिलौने। और ये लक्ष्मी दुकान में अभी बोली हुआ कि नहीं लक्ष्मी हो गया, चलिए लगे रहिए। और यहाँ ये स्कूल के गेट पे आपको कुछ तरबूजे वगैरह हैं जो कि कट रहे हैं, बिक रहा है, और कुछ ही दिनों में भीड़ जम जाएगा। और ये देखिए, और ये जितने भी दुकानें हैं वो सभी शाम शाम तक गोदाम चौक तक प्रस्थान कर जाएगी, और संध्याकालीन जो कि दुगोले का जो कार्यक्रम आगाज होगा 8 बजे से, तो वो प्रोग्राम पे वहीं पे सभी चले जाएंगे। देख सकते हैं देश के कर्णधार युवाओं जो कि छत के नीचे छाया में थोड़ा सा छाया ले रहे हैं, और कुछ मोबाइल भी चला रहे हैं। तो क्या क्या चीज़ के इंतज़ार कर रहे हैं आप लोग? हाँ आप आइए ना, देख लीजिए। ओ खाना चला रहे, क्या नाम हुआ? नाम नहीं बोल रहे हैं, भाग जा रहे हैं, भाग बैगन बैगन क्या बैगन। पानी का व्यवस्था किया गया है नन्हे मुन्हे बच्चे को, धूप को देखते हुए प्यास लग जा रही है, तो ये बच्चे पानी पी रहे हैं, और पेरेंट्स भी हैं जो कि अपने बच्चे को ध्यान में रखते हुए पानी का पिला रहे हैं। जल ही जीवन है, टंकी एवं ट्रॉली निर्माता संतोष इंजीनियर। फाइनली दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इधर भंडारा का जो आगाज हुआ है, पूरी अभी से बिला रहा है, और उधर कड़ाह में डला भी रहा है, और जितने भी झंडाधारी और दर्शक आएंगे उन्हें सभी को ये प्रसाद रूपी वितरण होगा, और वे अपना प्रसाद लेंगे, खाएंगे और फिर चलेंगे। तो क्या नाम हुआ सर आपका? नंदन कुमार प्रजापति। कहाँ से हैं? सरायडी पोखरी, यानी कि वहाँ के तो टीम बहुत बार देखे हैं, मिले भी हैं उन्हें, वो टोला पर आए थे। तो ये भंडारे में आए हुए हैं बनाने खाना, और चलिए आपको और दिखाते हैं नज़दीक से ये काम आपको। भंडारा स्टार्ट हो चुका है, और युवा जो बच्चे हैं छोटे मोटे वो धक्का मुक्की कर रहे हैं ठेला टोकली, और वे लाइन लेकर अगर स्वतः वो प्रसाद ग्रहण करते तो आपको सहूलियत होती और सभी को प्रसाद हाथों हाथ मिलते जाता। ये तमाम जो भी है रामनवमी समिति द्वारा ये भंडारे का आयोजन किया गया है, और तमाम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि क्रमबद्ध में आए और सभी प्रसाद ग्रहण करके ही जाए, जो कि आप देख पा रहे हैं। और एक हमारे गार्जियन है, देख लीजिए यहाँ प्रसाद, ये देखिए प्रसाद की वितरण हो चुका है, प्रसाद खा भी रहे हैं, और ये देखिए
संयम कोई बच्चा नहीं बरत रहा है और एक उपरा पर फिर मर चुकी है। साउंड वाला जितना भी गाड़ी है थोड़ा सा किनारे रखे, क्योंकि अगर बीच में जगह नहीं रहेगा तो लोग कहां पे आगे रखे, थोड़ा जगह रखे, इसमें कहां से मिलान होगा। इसीलिए आप लोग थोड़ा सा साउंड को किनारे कीजिए और बीच में स्पेस रखिए, क्योंकि अभी थोड़ी देर में चेकी वाले भी आ रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे साउंड कंपटीशन चल रहा है, चुके अपने गाड़ी के पास और अभी प्राइज वितरण हम नहीं दे, हाँ भीड़ लग रहा है चियाँ के, अभी नहीं आ पाया है और शाम का दुगोला है, तो घर का भी मैंने तैयारी करना, देख रेख करना हम लोग का, क्योंकि गेस्ट लोग आते रहते हैं, तो ये तो यहाँ 5 बज जाएगा तो कब जाएंगे, कब फ्रेश होंगे, तो कब दुगोला का तैयारी होगी, तो इसलिए हम लोग पहले निकले। अब जिनको भी फर्स्ट सेकंड मिले वो मिले, और उम्मीद करते हैं छोटी सी ब्लॉग अगर आप सबको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।